नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी मेहमान बेहद खास, बेहद प्रतिष्ठित और कथक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम गीतांजलि जी हमारे साथ हैं। बहुत विनम्रता से आपका स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार। अच्छा दीदी, एक चीज जो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में, वो ये कि करीब करीब मुझे 23 बरस हुए दिल्ली आए, और 23 बरस में जब भी मैं कोई कार्यक्रम देखने गया, और अगर आप वहां पर ऑडिटोरियम में हैं, तो मैंने देखा है कि हर कलाकार आपके पास जाता है, आपको प्रणाम करता है, और हर आदमी आकर ये कहता है कि गुणी होना तो अलग जगह है, लेकिन दीदी बहुत सहज हैं। ये सहजता एक कलाकार के लिए कितनी जरूरी है? कलाकार तो विनम्र होना ही चाहिए, वो एक सबसे बड़ा गुण है। अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो स्टेज पे आपका कैरेक्टर पूरा दिख जाता है। क्या वैसा कहते हैं सब लोग कि आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो कला तो है आपकी, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, कि ऑडियंस आपको दे कैन फील यू कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और खैर मेरी तो ब्रिंगिंग अप भी ऐसी हुई है, मैं ऐसे परिवार से हूँ, तो मेरे में ऐसे जीन्स हैं, हमारे पूर्वजों के, हमारे पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, उनकी ट्रेनिंग है, तो वो स्वाभाविक ढंग से मेरे में आई है। और इट्स नॉट पुट ऑन थिंग यू नो कि मैं कुछ उसके लिए काम करती हूँ, ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है और जिसके लिए मेरे पास सब लोग खींचे चले आते हैं। अच्छा दीदी, होता क्या है कि हम, मकसद ये होता है कि छोटे बच्चे भी इस तरह की चीजों को देखें, इंटरव्यू को देखें, और वो भी सीखें, जो बहुत ही 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं, और उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा इस बात में रहती है कि कलाकार आज तो बहुत बड़ा नाम हो गया अपनी अपनी फील्ड का, कोई बहुत बड़ा गायक हो गया, कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गया, कोई डांसर हो गया, लेकिन उनका भी एक बचपन जरूर रहता है, तो आज क्यों ना आपका बचपन भी हम जानें, ताकि वो बच्चे समझ सकें कि बचपन सबका लगभग एक जैसा ही होता है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं कि मेरे पास भी ओवर द इयर्स छोटे छोटे बच्चे भी आते रहे हैं, उनको भी ट्रेन मैंने किया है। इवन टुडे आई लव टू ट्रेन देम, क्योंकि जो बचपन से ही उनकी जो ट्रेनिंग होती है, एक नींव रखी जाती है, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो उससे मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि मैं अपनी गुरु रोशन कुमारी जी के पास फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए मेरे पिताजी जब ले गए, मैं 6 साल की थी, तो मैं आपको बता नहीं सकती, द वे आई टू एडमायर हर, मैं उनको ऐसे देखती थी जैसे पता नहीं कौन है ये, उनका रियाज देखती थी, वो कैसी बैठी हैं, कान में क्या पहना है, लिपस्टिक कौन सी लगाई है, तो शी यूज्ड टू लेट मी टच गो टू हर बेडरूम, और उनका ड्रेसिंग टेबल जो था जहाँ पे सारे उनके चीजें रखी होती थी, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो मैं मुझे छूने देती थी, तो बहुत मुझे लगता था वाह, मुझे एक लिपस्टिक लेके मुझे लगा रही है, तो वो जो एडमिरेशन है, तो डांस कला के साथ साथ मैं उनके साथ ऐसे जुड़ी कि बस जुड़ती ही चली गई, और कला और मेरा गुरु और कला सब साथ साथ चलते रहे। तो आज मैं भी जब किसी बच्चे को सिखाती हूँ और वो मुझे जिस तरह से देखते हैं कि दीदी ने आज कौन सी नेल पॉलिश लगाई है, दीदी ने आज क्या पहना है, उनके पैर कैसे हैं, मतलब हर चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, वो भी मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझे ऑब्जर्व करते हैं और मैं भी उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ। तो दीदी कोई शरारत भी थी बचपन में, या चूंकि बहुत संस्कार वाला परिवार था इसलिए शरारतों की कोई छूट नहीं थी? शरारत मैंने इतनी ही की कि चुपके से हम सहेलियां सब ना फिल्म देखने चले जाते थे बस, उसके अलावा नहीं। वो भी ऐसी फिल्म जिसमें वैजयंती माला जी हो, उनका नृत्य हो, या ऑफ कोर्स देवानंद हो हमारा फेवरेट हीरो उस वक्त के। अच्छा दीदी, एक चीज और, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि संगीत के संस्कार तो स्वाभाविक सी बात है आपके परिवार में रहे ही, लेकिन ये मौका है जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हर उस गुरु को याद करें जिसने आपको गढ़ा, और जो आज आप इतने सैकड़ों शिष्य आपके हैं पूरी दुनिया में, लेकिन आपको गढ़ने वाले जो गुरु थे शुरू से लेकर आखिर तक, उनके बारे में कुछ कुछ बताइए और उनको याद कीजिए। सबसे पहले गुरु मेरे पिता जी, संगीत हमारे घर में था क्योंकि मेरे पिताजी एक शास्त्रीय गायक हैं, संगीतकार,
ही वॉज हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई, और उस्ताद फैयाज खान साहब के शागिर्द रहे। तो संगीत जैसे बचपन से ही हमारे, सुबह आँख खुलना तो तानपुरे की आवाज आ रही है, मेरे पिताजी गा रहे हैं, या कोई कोई कलाकार आ गए तो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो माहौल रहा। और मेरी विधिवत उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू की बहुत ही बचपन से शास्त्रीय गायन में, तो वो मेरे पहले गुरु हैं। और आई एम रियली फॉर्चुनेट कि नृत्य के साथ साथ संगीत में भी मेरी रुचि भी रही और एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी रही, जो आज भी मुझे बहुत काम आती है, बिकॉज आई कंपोज माय म्यूजिक और हैंड टू हैंड है ना, वो तो बिल्कुल चलता है साथ साथ। वो पहले गुरु, और ऑफ कोर्स मेरी माता, वो हमेशा कहती थी मुझे बहुत कहती थी कि मैं बचपन से ही थिरकने लगी थी, कि तो मम्मी को पता था कि इसको डांस करने का बड़ा शौक है, थिरकती रहती कोई भी म्यूजिक चले तो मुझे अक्सर लगती थी कि डांसर के हाथ और पैर बहुत सुंदर होने चाहिए, तो एकदम साफ रखो, एकदम सुंदर बना के रखो। तो वो मुझे अक्सर कहती थी, पैर तो डांसर के पैर देखे जाते हैं, चेहरा तो है, पैर तो बहुत सुंदर रखना चाहिए। तो वो भी मुझे, मेरी गुरु ही थी, वो मुझे सब चीजें बताती रहती थी। और माँ तो सबसे पहले गुरु होती बिल्कुल बिल्कुल है। उसके बाद मेरी जो तालीम हुई, उसमें कुमारी जी, पंडित गोपी कृष्णा जी, मोहनराव कल्याणपुरकर जी, जिनसे मैंने बॉम्बे में तालीम ली, क्योंकि मेरा स्कूलिंग सब बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद दिल्ली में मैंने पंडित देवीलाल जी से तालीम ली, और फिर उन्हीं से मेरी शादी भी हो गई बाद में। और पंडित दुर्गालाल, पंडित देवीलाल, उन दोनों भाइयों का बहुत नाम रहा इस कथक जगत में। आई बिल्कुल वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मैं उस माहौल में बाद में रही, क्योंकि मुझे शादी ऐसी जगह करनी थी कि मैं डांस कर सकूं, तो मेरा वो सब सफल हो गया। और आई कुड कंटिन्यू माई डांसिंग एज माई करियर। बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत व्यवहारिक बात कही आपने, क्योंकि जिस दौर में आपने डांस करने का फैसला किया होगा उस दौर में बहुत सारे लोग इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेते थे, उनको लगता था कि डांस क्या करना है, तो संभवतः उसी तरह आप इशारा कर रही हैं। जी, हाँ, कि आप डांस तो कर रही हो लेकिन वैसे क्या करते हो? अरे डांस ही करते, यही हो जाए अच्छे से, यही बड़ी बात है। अच्छा, आपके साथ बातचीत का जो ये मौका मिला है हमको, वो एक तरीके से बहुत सारे कलाकारों को समझने की खिड़की भी खोलता है। गोपी कृष्ण जी आपके गुरु रहे, हम लोग तो खैर बहुत मतलब बदकिस्मत कह लें कि हमने उनको सिर्फ वीडियोस में देखा है, वैसे कभी नहीं देखा, लेकिन आप उनसे सीखी, आप उनकी शिष्या रही, कुछ याद करके बताइए क्या किस तरह की शख्सियत थे वो? हाँ, ही वॉज वेरी सिंपल, सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सन। उनको कोई ईगो नाम की चीज तो मैंने देखी नहीं, क्योंकि रोशन दीदी से सीखने के बाद मैं, क्योंकि वो बॉम्बे से चली गई थी, अदरवाइज मैं गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास जाना तो वो मेरी फितरत नहीं थी, ना ही हमारे पिताजी की ऐसी ट्रेनिंग थी। पर वो बॉम्बे छोड़ के चली गई तो कैलकटा माइग्रेट हो गई थी, तो मैं फिर गोपी जी के पास, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में जनक जनक पायल बाजे बड़ा मशहूर फिल्म आई बिल्कुल थी और कथक का बड़ा चर्चा, तो इत्तफाक से वो मेरे जस्ट अपोजिट माई हाउस, उनका घर बन रहा था, और वहीं क्लासेस जब शुरू हुई तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने ऐसे ही पकड़ के मुझे सामने खड़ा किया और अच्छा बेटा बताओ क्या सीखा है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये सीखा। इतने प्यार से उन्होंने ऐसे पुचकार के कहा कि हाँ, और आई वॉज बिलीव मी, आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने तब घर शिफ्ट किया ही था और क्लासेस जैसे शुरू होनी ही थी, और धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स वहां तो मैं देखती थी सब, सारी हीरोइनें उस जमाने की, साधना, शपारिक, वैजंती जी, और बेबी नाज, और हेलन, और मतलब बहुत सारे लोग वहां पे आते रहते थे। आई वॉज अलाउड टू सिट थ्रू देयर प्रैक्टिस और वट एवर, तो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो वो एक मेरा बहुत अच्छा रहा सफर। और कई कई बार तो मुझे कहते थे कि देखो किसी को, जैसे मुझे याद आ रहा है कि साधना को
ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। साधना को कहा देखो गीता, ये कितना अच्छा सा ये वाला पीस, जो पर्टिकुलर पीस था डांस का, वो करती है तो दिख, अरे गीता दिखाओ जरा, साधना को बताओ सिखाओ जरा ये कैसे। तो वो इतने खुले दिल के थे, ये नहीं कि अरे वो ये बड़ी है, तो मैं तो छोटी थी, पर बहुत ही मुझे प्यार किया है। तो मैं उनको, सभी गुरुओं को मैं कभी भूल नहीं सकती, मोहनराव जी को, सारे गुरु मेरे बहुत आदरणीय है, और सबसे सबसे ही कुछ 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 मैंने बहुत अच्छी चीजें सीख कर अडेप्ट की है मेरे डांस स्टाइल में, मैंने उनको अपनाया है। और देवीलाल जी से तो मैंने बहुत लय की बारीकियां, जयपुर घराने की बरने और लय के साथ कैसे खेलना, वो सब मैंने देवीलाल जी से सीखा। और मेरी भी फितरत वो थी कि लय की बारियों को, बारीकी को समझना, उस पे काम करना। और हमेशा अभी भी मैं रात को जैसे उठती हूँ आधी रात में, तो बस कोई ना कोई चीजें बनती हैं, कॉम्पोजिशन, ये नहीं कि मैं इधर उधर की कोई बात सोचती हूँ, मैं बस मेरा वो ही ध्यान रहता है, मैं यही काम, हमेशा मेरा हाथ यूं यूं चलता रहता है। अच्छा दीदी, अभी आपने कहा कि गोपी जी के यहाँ आप अभिनेत्रियों के नाम बता रही थी जो आती थी, लेकिन आप भी तो बहुत फॉर्चुनेट रही होंगी, आपके घर में पिताजी की वजह से बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना रहा होगा, और जब आपने हाँ सीखना शुरू कर दिया होगा तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि फला कलाकार आए, बेटा जरा कुछ करके दिखाओ, जरा कुछ सुना दो, वो अनुभव कैसा होता था? नहीं, वो तो कमाल की बात है। हाँ आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। हम जिस खार में, हम जिस बिल्डिंग में रहते थे 16th रोड पे, जी उसी बिल्डिंग में 12 फ्लैट थे, तो 12 में ज्यादातर कलाकार ही थे, जैसे मेरे फादर में, फिर फर्स्ट फ्लोर पे अली अकबर खान साहब रहते थे, फिर क्या नाम बताऊँ, गाइड फिल्म के डायलॉग राइटर वजेंद्र गौड़ रहते थे, फिर राज कपूर के जो मेन फोटो कैमरामैन थे, जो मेन वो तारू दत्त, वो भी उस बिल्डिंग में रहते थे, उनके सारे बच्चे फ्रेंड्स, और वहां पे उनको राज कपूर की वाइफ आती थी उनको लेने, तो बाहर खड़ी है बाहर गाड़ी से बाहर। और क्या क्या नाम बताओ, अल्लाह रखा खान साहब हमारे आते थे, ओमकार नाथ ठाकुर जी, सभी आते थे, मेरे पिताजी का सानिध्य सबके साथ बहुत अच्छा था, और सबके साथ उठना बैठना, तो वो तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलते, अरे ये दिखाओ वो दिखाओ, तो मैं तो तैयारी रहती थी कि कब कोई मुझे कहे कि गाना गाओ या डांस दिखाओ, तो गाना भी जो होता था मेरा फिक्स था कि ये कोई बोलेंगे तो राग गाना है केदार, मेरा फेवरेट गाना था, और फिल्मी गाने लता जी के, आशा जी के, वो तो मैं, मुझे सारे सारे याद है उस जमाने के, तो मैं तैयारी रहती थी। अच्छा दीदी, आपने थोड़ा काम फिल्मों में भी किया, तो वो थोड़ा ही किया जानबूझ के, या फिर वहां जाकर लगा कि नहीं मेरा प्राइमरली फोकस कथक पे रहना चाहिए, वो जो थोड़ा काम किया उसकी क्या वजह है? नहीं, मैं कहीं गई नहीं हूँ कुछ काम करने, हाँ मुझे दे ओनली अप्रोच्ड माय फादर, क्योंकि उस वक्त हम कश्मीर में थे, श्रीनगर में, और मेरे फादर वहाँ पे प्रिंसिपल थे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के, और मैं डांस, क्योंकि कश्मीर में उस वक्त नया नया पहले ही सेटअप था, जिसकी वजह से मेरे फादर को इनवाइट किया गया था कश्मीर जैन के एकेडमी जो थी, तो वहां पे डांस करना या गाना, तो मैं बड़ी एक्टिव थी, थिएटर भी करने लगी, कॉलेज के भी प्लेज करने लगी, गाना भी है, तो मैं आई वाज रियली वेरी एक्टिव, तो सबकी नजर में आ गई, वैसे भी बॉम्बे की लड़की, बॉम्बे से आई है, तो थोड़ा सा चर्चा, और मेरे फादर इसी फील्ड के, तो ये जब फिल्म बन रही थी कश्मीरी फिल्म महजूर, शायर कश्मीर महजूर, इट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी पोएट ऑफ कश्मीर, तो उनकी लाइफ पे बन रही थी, तो दे वर लुकिंग फॉर अ लोकल गर्ल, तो लोकल गर्ल तो वहां तो कोई बाहर आके कोई फिल्म करे वो तो सोच, फिल्म क्या एक्टिंग करे वो भी नहीं था, तो दे अप्रोच माई फादर एंड दिस इज हाउ आई डिड दिस फिल्म, और दे सिलेक्टेड मी फॉर, बलराज जी थे, बलराज सानी जी थे इस फिल्म में, हाँ बिल्कुल, परीक्षित सानी थे, ये सब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर ये नहीं कि मैं फिल्मों में जाना था, मुझे तो एक्चुअली रियली वेरी हैप्पी अंदर से कि हाँ हाँ फिल्म,
पर मेरे फादर ने मुझे कहा नथिंग डूइंग, ये कर ली, क्योंकि बरासानी जी थे और उनके जो डायरेक्टर थे प्रभात मुखर्जी, कलकत्ता के बड़े नामी ग्रामी सत्यजीत रे के लेवल के, वो जमाने के बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, और ही हैपन टू बी नोइंग माय फादर, ही न्यू माय फादर, इट्स सो हैपन कि तो अरे रजनीकांत तुम्हारी बेटी है तो तुम तो टैलेंटेड होगी, तो इस वजह से ही लेट मी डू दिस फिल्म। उसके अलावा कोई फिल्म में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और मैं भी बड़ी ओबीडियंट की, जो पिताजी ने बोल दिया वही, डांस तो करने दे रहे पर फिल्म में नहीं जाना, अच्छा, अभी आई आपने डोंट नो। आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही कि रात में सो के उठते हैं तब भी दिमाग इधर उधर नहीं जाता, बल्कि कुछ नया सोच रहा होता है या उंगलियां चल रही होती हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है दीदी? मतलब इस उम्र में जब कथक का बहुत बड़ा नाम, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, सब कुछ अर्जित हो चुका हो, तो कैसे वो मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे अभी और कुछ नया सोचना है, मुझे कुछ और नया करना है? ये मेरी फितरत ही बन गई है, आदत सी बन गई है, मैं उठ के कोई अच्छी चीज बन जाती है तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड भी कर देती हूँ कि बाद में सुबह भूल ना जाऊं, अभी भी वही फितरत है मेरी। तो कोई अच्छी कॉम्पोजिशन बन जाती है तो मत, पर मेरा पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ, इसी के लिए बनी हूँ शायद, ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है। गीतांजलि जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक विराम ले लेते हैं। कल रात ठीक 9 बजे एक बार फिर हमसे जुड़िएगा और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।